नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। यूरोप में तो पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देख ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस सहित यूरोप के कई देश दोबारा लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। जर्मनी ने तो एक माह के लिए दोबारा रेस्टोरेंट और बार बंद करने का आदेश दिया है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने जर्मनी के शीर्ष अधिकारियों से प्रतिबंधों को सख्त करने को लेकर चर्चा की है। वहीं फ्रांस में एक दिन में 50,000 से ज्यादा केस सामने आने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने देश को संबोधित करते हुए कोरोना को लेकर नए नियम और प्रतिबंधों को लेकर तैयार रहने की बात कही है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक यूरोप में पिछले एक हफ्ते में 37% कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ रिकॉर्ड 13 लाख नए मरीज आए हैं। कहा जा रहा है कि यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो एक हफ्ते में ब्रिटेन में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आई, जिसके बाद कई शहरों में सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस ने संक्रमण को काबू करने के लिए वेल्स, ग्रेटर मैनचेस्टर, साउथ यॉर्कशायर और स्कॉटलैंड में लॉकडाउन लगाया है। यहाँ लोगों को घरों से बाहर निकलने से मना किया गया है। हेल्थ विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियां आने पर कोरोना संक्रमण और भयानक रूप ले सकता है, जिसका असर यूरोप में अब दिखना शुरू हो चुका है। यूरोप में हाल ही में 205,809 नए कोरोना संक्रमित सामने आए थे। इसमें सबसे ज्यादा फ्रांस से 45,000 और ब्रिटेन से 23,000 मामले आए हैं। यूरोप में पिछले एक हफ्ते में 37% कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। फ्रांस की बात की जाए तो यहाँ के 9 प्रमुख शहरों में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है। अनावश्यक बाहर निकलने पर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने लोगों से घर में रहने की अपील की। वहीं ब्रिटेन के कई शहरों में फिर सख्त लॉकडाउन है। तो दोस्तों, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए।